ये जो आप देख रहे हो सामने ढाबा, चाय का ढाबा, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने चाय और समोसे खाए थे। यहाँ पे एक अंकल हैं, अंकल ना अपन जो चटनी है अपने हाथों से बनाते हैं, हरी चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। मानी भाई ऑर्डर दे रहे क्या? ऑर्डर दे रहे क्या? आते टाइम का दूना ऑर्डर तो? हाँ, कितने समोसे का दूंगा आते टाइम का? देख लो समोसे, अभी तो नहीं खाने ना? नहीं नहीं अभी नहीं खाने, एक घंटे बाद के ऑर्डर दे दे। हाँ एक घंटे बाद दे दो, अंकल तैयार कर। 15-20 बना लेना और क्या। हाँ अरे दो दो तो खाओगे यार, भूख तो इतनी लगी जाएगी। खाएंगे फिर। कितने जने हम लोग? 12-13-14 हैं। हाँ तो 13 तो आगे चले गए बुक्कर भैया, वो दिखने में सूखे हैं, वो दुगने खाते हैं हमसे। अच्छा अच्छा उनको ज्यादा चाहिए, उनको ज्यादा चाहिए। अच्छा वैसे मैंने देखा है ज्यादा जो जो पतले होते हैं ना बिल्कुल, वो खाना भी ज्यादा खाते हैं यार। हाँ हाँ अब मैं पहुंचने वाला हूँ क्लॉक टावर। क्लॉक टावर पे और साइकिल राइडर्स वेट कर रहे होंगे, वहाँ से सारे इकट्ठे होके फिर आगे की तरफ निकलेंगे हम लोग सब। चलो देखते हैं अभी कौन कौन पहुँचा है। पहुंच चुके हैं घंटाघर, ये देहरादून का घंटाघर है, क्लॉक टावर। मानिक लोगों के साथ जा रहे हो ना? आप है ना आप लोगों आए नहीं अभी? मानिक अभी नहीं आए भैया। चलो आ जाए, आई नहीं है अभी, 5:30 की टाइम है। ऑलमोस्ट सारे राइडर आ चुके हैं और हम अब निकल रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। तो चलो चलते हैं। और मेरे चैनल की जो टैगलाइन है वो है जीले ज़रा। चीले जरा मैंने ये जो टैग लाइन है वो इसलिए रखी है क्योंकि हम इतने बिजी हो चुके हैं आजकल अपनी ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा बिजी कि हम चाह के भी अपने लिए कुछ समय नहीं निकाल पाते। इसलिए थोड़ा बहुत जो भी समय आपको मिले उसके लिए अपने लिए जिए। तो जीले ज़रा,
कुछ तो इवेंट है जो चूनो वगैरह डाल रहे हैं लोग। ओह वेलकम। ओह चूना खिला रहे तो बाय गॉड ये सब खत्म कर देंगे। अच्छा जब ये ऐसा लगता था कि पहाड़ ना सरकार की धरोहर है। हाँ। मतलब सरकार के अंडर में, लेकिन जहाँ भी देखो वहीं कि भैया ये कैसे खरीदी है। हाँ। सरकार बेच रही क्या? सब बिकने को तैयार है ऊपर तक प्लॉटिंग हो रही है भाई पहाड़ों में। जहाँ भी देखो वहीं, जहाँ भी देखो वहीं। और रहने वाला किसी ने नहीं है ना? ना सब साले रिजॉर्ट बनाने के चक्कर में वो तो सब सब धंधा। ये लोग आके रुकेंगे अबे यार नहीं तो छोड़ो कुछ नहीं छोड़ो। कितनी देर में पहुंच रहे? कौन आ रहा है? अच्छा वो इधर से आ रहे हैं, वो भी से आ रहे हैं। हम पहुंचने वाले हैं माल देवता ब्रिज। किसी किसी को तो इतना कीड़ा हिमालय देवता वाली वही नदी थी जो पुल से ऊपर से बह रही थी। और अब अच्छा वहाँ रोक देते हैं लोग।
लो जी ऑफ रोडिंग शुरू हो गई। कितना ये जो चढ़ ये पहला 3 किलोमीटर? हाँ हाँ, उसके बाद तो ऑलमोस्ट ठीक ही है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से ब्रिज से? 11? अच्छा हाँ अच्छा, सीधा ही कर दिया तब से? तुम भी नहीं गए ना वहाँ? या गए थे बीच में? नहीं गए ना? गए अच्छा, अरे नदी क्रॉस करनी पड़ती है ना। हाँ हाँ हाँ, इधर से इधर से इधर आपकी करना पड़ता। अच्छा, पिछली बार तो नदी में बहुत बहाव था। हाँ, साइकिल पकड़ो तो खुद बह रहे थे और खुद को संभालो तो साइकिल नहीं पड़ेगा। अच्छा सही है, मज़ा तो उसी में था पहले। हाँ, वो एडवेंचर जैसा था ना, बढ़िया था। नदी से पार हो रहे हो आप? मजा था। नाम आके नदी है, ये तो नदी में बना दिया उन्होंने। और जब फिर कभी तेज बहाव आता है नदी में तो सब भाग ले जाती है, फिर रोने लग जाते हैं। तो इतना नहाए हैं, थोड़ा कम है। यहाँ तक तो पानी बहुत रहता था। हाँ, अभी क्या हालत है पानी यहाँ? दिख रहे इतना से पानी? हाँ, आगे आपको और ज़्यादा पानी दिखेगा। हाँ, पानी पसंद का है भाई। लोग भी तो दिन पे दिन बढ़ ही रहे हैं ना। आप जो जगह खाली दिख रही है आपको, वहाँ एक साल के बाद या 6 महीने के बाद जाओ, ऐसा लगेगा भाई यहाँ क्या हो गया ये। हाँ, आप यही देखो कितने घर बन गए। देखो ना, पहले नहीं थे माल देवता में इतने घर। माल देवता ही नहीं जानता था लोग, ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ बोल रहा है ये, ऐसा लगता था देहरादून से बाहर की बात कर रहा है ये। 2013 अरे 2013 के मैं बता रहा हूँ, जब से मैंने साइकिलिंग करनी शुरू करी है तब से मैं इस साइड आने लगा हूँ, वरना मैं आई नहीं कभी साइड। हाँ हाँ, मैं
अगर अगर किसी ने बोल दिया ना मालदीव तो अच्छा पिकनिक बनाने जा रहे हो। उस टाइम तो ऐसा लगता था। फ्रेंड्स आपको याद होगा लास्ट जो मेरी वीडियो थी जिसमें मेरे साथ अमान था, हम लोग ट्रैक करने आए थे हर्ष वाली में, हर्ष वाली विलेज। ये वही रास्ता है आगे, हर्ष वाली विलेज आने वाला है, ये वही रास्ता है। हम लोग पहले ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर से आए थे, लेकिन आज हम साइकिल राइड कर रहे हैं तो हम नदी के साथ साथ नीचे एक अच्छा ऑफ रोडिंग आज राइड कर रहे हैं, तो वही रास्ता है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा आपको हर्ष वैली गांव आने वाला है। काफ़ी ऑफ रोडिंग आप देख पा रहे होंगे, जैसे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर रास्ते में हैं। साइड आ चुका है हर्ष वाली गांव। तो दोस्तों ये जो ऊपर से रास्ता देख रहे हैं आप इधर इस साइड से, यहां से हम लोग उस दिन नीचे उतरे थे। मैं दिखाता हूं आपको, ये जो रास्ता देख रहे हो आप इधर से ऊपर से जो रास्ता आ रहा है, यहां से हम लोग उस दिन उतरे थे। ऊपर से देख पा रहे होंगे आप, ऊपर से नीचे उतरे थे हम लोग और ट्रैक करके नीचे आए थे मैं और अमान। और आज हम जा रहे हैं सल्फर पॉन्ड। अब करीबन इस गांव से 4-5 किलोमीटर और है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बहुत खूबसूरत गांव है। अभी तो आपको इतना खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप ऊपर से देखते हो ना इस गांव को, बहुत खूबसूरत गांव है। छोटा सा गांव है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 घर होंगे इस गाँव में, लेकिन बहुत खूबसूरत गाँव है। और जहाँ हम जा रहे हैं आज वो जगह भी बहुत ही खूबसूरत है, मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन उस टाइम मैंने साइकिलिंग शुरू की थी तो ये रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। लेकिन ये सारा ऑफ रोडिंग रास्ता है, अगर आपने साइकिलिंग शॉर्ट नहीं पहना हुआ है तो आप समझ सकते हो कि आपके जो हिप्स हैं उनके हालत कैसी होगी, झटके लग लग के वाट लग जाती है। तो इसलिए अगर आप कभी भी ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो साइकिलिंग शॉर्ट जरूर पहने। साइकिलिंग शॉर्ट पहनने से एक बेनिफिट है कि उसमें कुशन लगा रहता है, तो वो आपके
हिप्स को सपोर्ट होता है, तो उससे आपके जो पेन होता है पेन नहीं होता ज़्यादा। ऐसे तो ऑलमोस्ट जो अच्छे साइकिलिस्ट हैं सभी उसको पहनते हैं। देखो दोस्तों, नेवला जा रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर नज़र आते रहते हैं क्योंकि जंगल का रास्ता है, तो यहाँ जानवर आपको नज़र आ जाएंगे। ऑफ रोडिंग में साइकिलिंग इतनी आसान नहीं होती क्योंकि आप पैंडल तो मार रहे होते हैं और आपका जो टायर है वो स्लिप होता रहता है। साइकिल जो है वो आगे की साइड कम चलती है और स्कीड ज़्यादा करती है, और उसकी वजह से आपको ना ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है और आप थक भी ज़्यादा जल्दी आते हैं। तो इसलिए जब भी आप ऑफ रोडिंग करें, पावर ना लगाने की बजाय आप ये करें कि बस रेगुलर आप पैंडल मारते रहें, हल्के हल्के पैंडल मारते रहें, बस ज़्यादा पावर के चक्कर में ना रहें। पैंडल मारते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकिल एक ही स्पीड से और स्मूथ चलती रहेगी। जहाँ आपने पावर यूज़ की तो आप जल्दी थक भी जाओगे और स्पीड भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। मेरे जो दोस्त हैं साइकिल राइडर्स वो आगे चले गए क्योंकि मुझे बार बार रुक के आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए मैं उनसे पीछे रह गया हूँ। मेरे पीछे भी हैं साइकिल राइडर, ऐसे नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ, पीछे भी हैं मेरे। आप देख पा रहे होंगे क्या सुंदर नज़ारा है, हिल देखो। ओह, ये जो आप देख रहे हो सामने ढाबा, चाय का ढाबा, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने चाय और समोसे खाए थे। यहाँ पे एक अंकल हैं, अंकल ना अपनी जो चटनी है अपने हाथों से बनाते हैं, हरी चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। मानी भाई ऑर्डर दे रहे क्या है? ऑर्डर दे रहे क्या? आते टाइम का दूना ऑर्डर तो हाँ, कितने समोसे का दूंगा टाइम का देख लो। समोसे अभी तो नहीं खाने है? नहीं नहीं अभी नहीं खाने, एक घंटे बाद के ऑर्डर दे दे। हाँ एक घंटे बाद दे दो, अंकल तैयार कर। 15-20 बना लेना और क्या। हाँ अरे दो दो तो खाओगे यार, भूख तो इतनी लगी जाएगी। फिर कितने जने हम लोग? 12-13-14 हैं। तो आगे चले गए भैया, हमसे अच्छा अच्छा उनको ज्यादा चाहिए, उनको ज्यादा चाहिए। अच्छा वैसे मैंने देखा है ज्यादा जो जो पतले होते हैं ना बिल्कुल, वो खाना भी ज्यादा खाते हैं यार। हाँ हाँ बोल रहे क्या गया।
साइकिल राइडर के साइकिल में प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया। लेकिन हमने जुगाड़ करके उस पर साइकिल फ़िलहाल तो रिपेयर कर दी है। होप सो कि वो पूरी राइड पूरी कर सके। अगर आपको कभी भी लंबी राइड करनी है तो ग्रुप में करें, क्योंकि किसी ना किसी के पास टूल्स, अलग अलग टूल्स मिल जाते हैं, जैसे आज हमारे साथ हुआ कि एक साथ वाले राइडर की साइकिल ख़राब हो गई, उसे हमने मिलकर रिपेयर कर दिया। नज़ारे देखो पहाड़ों के, ये देखो जो पहाड़ है ना, बरसातों में बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। अभी तो खैर ये सूखे हैं, हरियाली नहीं है, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है उसके बाद ब्यूटी ना देखने लायक होती है। इसलिए जब भी आप पहाड़ों में आए, बरसात के टाइम पे आए या फिर सितंबर में आए, सितंबर में भी एक तो बरसात ख़त्म हो जाती है, दूसरी बात हरियाली आपको पूरी मिलेगी। दोनों तो डुबकी भी लगा ली होगी पॉन्ड में, हैं? आप आएंगे डुबकी की तैयारी से? हाँ, पानी कैसे ठंडा रहता है? अरे भयंकर ठंडा, लेकिन एक डुबकी मार दो ना, उसके बाद फिर ठंडा ठंडा सब खत्म। अगर आप यहाँ पे आए हो और डुबकी ना मारी तो फायदा नहीं है। हाँ, फिर फायदा नहीं है, डुबकी तो बनती है, लेकिन ठंडा पानी इतना होता है ना, शुरू में तो ऐसा लगता है भयंकर, बस एक डुबकी बाद तो फिर टेम्परेचर हो जाता है नॉर्मल। भाई उनका तो कमाल है, वो अपने पाँव धो रहे होते हैं, पाँव धोने में अगर ठंडा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर धुल रहे हैं तो, बाकी भगवान जाने कि धुल रहे हैं नहीं धुल रहे, बोलते तो ऐसे ही हैं। है मानी सर, ये ठंड में डुबकी जो मारते हैं गंगा में पाप धोने के लिए, धुल जाते हैं क्या? हैं? नहीं धुल रहे? अच्छा, और पापी हो जाते हैं? वो उनके मन तो साफ होते नहीं है। अच्छा, बगल बगल और लड़कियों को देख रहे होते हैं। अच्छा, ताड़ने जाते हैं वहाँ? पहले लोग जाते थे मन सच्चा करके, मुझे अपने पाप दूर करने हैं, ये गलतियाँ हो गई। अच्छा, यहाँ गलतियाँ थोड़ी सोचता है इंसान, ठंडा पानी मिल रहा है बगल में लड़के देख रहे हैं। अच्छा, दो चार ही होते हैं जाते हैं। अच्छा, मैंने मान रखा कि नहीं, वो वही गलतियाँ कर रहा है। वही गलतियाँ कर रहा है।
अरे हम वहाँ अटक गए। तुम मत रुकना, फर्स्ट टाइम आए हो तो फिर तो जाओ। हमें 12 तारीख को स्विट्जरलैंड जाना है कि अच्छा हमारी जॉब लग जाएगी। अरे वेरी गुड यार, जाओ जाओ। नहीं तो तुम किसी को बोलोगे नहीं। कहना दिखा तो सकोगे कि देखो हम साइकिल राइड करने करके कहाँ तक गए। मैं यहाँ बुला लिया हमें जॉब करने के लिए। देख देख के टांगे टांगे अच्छा टांगे मैंने सोचा आंखें थक गई। हाय पहुंच गए। अच्छा हाँ, कितने किलोमीटर? पहुंच गए, बस 3 किलोमीटर बचा है। ठीक है, ऑफ रोडिंग। ऑसम व्यू। अबे 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 ठीक हो गया उसका दोबारा? चलो थोड़ी अब तो आ गया। पत्थर इतने ज्यादा है ना कि बैलेंस क्या बैलेंस। बैलेंस बने ना बने, पत्थर इतने ज़्यादा हैं कि टायर वहीं स्लिप करता रहता है। और हम पहुंच गए हैं फाइनली सल्फर पॉन्ड। सल्फर गंधक का पानी होता है। अगर आप को किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो आपको इस पानी में
नहाना चाहिए। बोलते हैं कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाती है इस पानी के, पानी में नहाने से। तो फाइनली पहुंच गए हम। ये देखो, ये है सल्फर पॉन्ड। यहाँ से नेचुरली गंदक का पानी निकलता है ज़मीन में से, और स्मेल इतनी ज़्यादा है गंदक की कि वो मैं आपको कैमरे से उसकी स्मेल सुंघा नहीं सकता।